हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इंटर लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, उनका टाइपिंग टेस्ट का डेट आ गया है। साथ ही दोस्तों, इनके लिए फिजिकल एग्जाम भी लिया जाना है, इनके लिए भी डेट आ गया। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि BSSC के द्वारा कब लिए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल एग्जाम, दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, लॉकडाउन की वजह से एग्जामिनेशन में देरी हो रही थी, तो इसी बीच जो न्यूज निकाले हैं BSSC के माध्यम से, वो स्पष्ट लिखा है आज से खुलेगा BSSC, यानी कि आज से लॉकडाउन अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। 25% स्टाफ के साथ सारी जितने भी सरकारी कार्यालय है बिहार के अंतर्गत, सभी को खोलने की अनुमति मिल गई है। इसी बीच BSSC भी आज से खुल रही है। तो न्यूज दिए हैं टाइपिंग टेस्ट जल्द लेने पर जोर, यानी कि जैसे ही BSSC खुल रहा है टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर ये न्यूज दिया गया है, बुधवार से 25% कर्मियों के साथ BSSC अपना कामकाज शुरू कर देगा। आयोग की पहली प्राथमिकता प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट जल्द लेनी होगी। इस माह के अंत तक इसे ले लेने का प्रयास होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बता दिया, 25% कर्मचारियों के साथ BSSC अपना ऑफिस काम करना शुरू करेगी, और जैसे ही काम करना शुरू करेगी सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट लेने पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी होगी। और इसी बीच अनुमानित डेट भी दे दिया कि इस माह के अंत तक इसे लेने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इस महीने के अंत तक डेट दिखने को मिल जाएगा कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा, नहीं तो अगले महीने के फर्स्ट वीक तक। इतना ज़रूर याद रखिए, अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपकी टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। दोस्तों आगे ये भी बताया है, लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए इस परीक्षा के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। साथ ही मुख्य परीक्षा के अंक के आधार पर 52,000 छात्रों में 45,000 का अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है। 45,000 तो आपको हो गया टाइपिंग टेस्ट के लिए, बाकी जो भी कैंडिडेट बचेगा उन कैंडिडेटों को फिजिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जो फिजिकल लेंगे CSBC के माध्यम से, यानी कि केंद्रीय चयन आयोग के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो फिजिकल लिया जाना है उनके लिए भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया। ऐसा जानकारी हम पिछले वीडियो के माध्यम में भी दिए थे और आज भी बता देते हैं, यानी कि दोनों प्रक्रिया अब आप लोगों को लगभग सेम डेट में स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन भी और टाइपिंग टेस्ट भी। बस इस महीने के लास्ट तक अब आप लोग को वेट करना है, जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि लिखा है थर्ड ग्रेजुएट और सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, यानी कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल का भी आप विज्ञापन निकलेंगे, इंटर लेवल का भी विज्ञापन निकलेंगे। इनके लिए अगर सीट की बात करें तो 1,500-2,000 के बीच वैकेंसी आ गई है, रिक्वायरमेंट आ गई है, जिनके बढ़कर 2,500-3,000 तक पहुँचने की संभावना है। यानी कि इस बार जो ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल की जो भी वैकेंसी आने वाली है उनकी वैकेंसी की संख्या 3,000 तक हो सकती है। तो जैसे इनकी वैकेंसी आती है और टाइपिंग टेस्ट का डेट आता है, फिजिकल का एक्चुअल डेट आता है, हम आपको जानकारी जरूर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। साथ ही दोस्तों याद रखिए, इस महीने की लास्ट तक अब आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर बहुत सारे लिंक दे दिए हैं, अभी नया नया नौकरी जॉब रिक्वायरमेंट आया है उसके रिगार्डिंग आप भी क्लिक करके वहां से अपना जॉब की वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट लिखिएगा, आपकी जवाब तुरंत देंगे। साथ ही दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिएगा कि टाइपिंग टेस्ट का डेट आ गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।